चलो डिस्चार्ज हो गया, अब बाबू घर जा रहा है, अब हम लेके जा रहे हैं अपने घर पे। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने स्नेह ब्लॉग में। तो जी फाइनली फेस रिवील का ब्लॉग हमने डाल दिया और उम्मीद करते हैं जब तक इस वीडियो को आप लोग देख रहे होंगे उससे पहले उस वीडियो को देख चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखा है उस ब्लॉग को तो जरूर देखिएगा जी, जो भी हमारी भांजे का फेस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी डाल देंगे, तो आप लोग वहां से जा करके देख लीजिएगा। और बाकी जी अभी बज गए हैं 9:15, तो 9:15 बजे जी अब हो गया हमारे खाने का टाइम, तो जब अब वहाँ पर रोटी बन रहा होगा फिर उसके बाद सभी लोग खाने बैठेंगे। बाकी जिया जो है यहाँ पर अपना आराम कर रही है, कुछ देर पहले मोबाइल चला रही थी, जैसे देखी कि हम आए हैं तो मोबाइल को साइड कर ली, मोबाइल छोड़ नहीं सकती है। अभी रोटी बना के आए तो थोड़ा थक गए तो देख रहे। बहुत बढ़िया, सब कुछ हो जाए लेकिन मोबाइल ना छोड़े। तो अब ऐसा करते हैं जी, हमारा भी काम हो गया है, जिया भी फ्री हो चुकी है, तो बैठ करके वहाँ पर तो बैठ करके जो है रामायण देखते हैं। अच्छा जिया जानती थी कि क्या लगाने वाले हैं? अभी हम देख रहे थे, फिर बंद कर दिए। कोई बात नहीं, अब हम देखेंगे। The next day. जी अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हम आए हुए हैं कटिहार के मेडिकल कॉलेज। एक इमरजेंसी जैसा सिचुएशन आ गया था, आपको बताते हैं क्या वो सिचुएशन था। अभी तो आपको बता रहे थे कि एक इमरजेंसी सिचुएशन आ गया है, तो क्या इमरजेंसी सिचुएशन अभी आप वहाँ पर देख रहे होंगे, तेल डाला जा रहा है। यह है जी कटिहार का मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर हमारे जो भोलेनाथ है उसकी गाड़ी फंस गई और कारण क्या हुआ कि पेट्रोल खत्म हो गया, तो वही देख सकते हैं अर्जुन अरिस्ट में हम पेट्रोल लेकर के आए हुए हैं। तो फाइनली जी नहा धो करके हो गए एकदम फ्रेश, पहले जो पेट पूजा कर लेते हैं, पेट पूजा करने के बाद फिर बैठेंगे अपने काम पर। आजकल जो खाने में है चटनी मिल रहा है जी, आम की चटनी, तो मजा आ रहा है। थैंक यू बोलिए मेरे भाई को जो आप पहुँचा देता है। अच्छा बढ़िया है। उसके रहते मुझे कभी गाँव की कमी नहीं हुई, गाँव का कोई भी चीज जो है मुझे ये नहीं लगा कि गांव में रहते तो खाते, अभी शहर में रह रहे नहीं खा पा रहे। फिर भेज रहा है ना? हाँ वो बोल रहा था सुबह फोन करके, दीदी फिर से तुम्हारे लिए आम रखे हुए हैं। हम बोले उसको फ्रिज में रखो बाद में ले जाए। तो देख सकते हैं जिया यहाँ पर सारा कपड़ा समेट रही है, सारा कपड़ा यहाँ पर बिखरा हुआ है। अभी कुछ देर पहले जिया ने एक हॉल वीडियो शूट किया है, बेचारी को बहुत मेहनत लगा है, तो इसका हॉल वीडियो जो है आने वाला है जी इसके चैनल पर। इसके चैनल का नाम क्या है? शाश्वत जिया, शाश्वत जिया ब्लॉग्स। अच्छा शाश्वत जिया ब्लॉग्स, अगर आप लोग देखना चाहते हैं, आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि ये नाइटी कहाँ से लिया है आपने, और अभी जो हम ड्रेस पहन रहे थे वो सबके बारे में पूछ रहे थे, तो हमने सोचा था कि एक प्रॉपर ब्लॉग बनाएंगे। डेली पतिदेव पूछते थे जिया ये कहाँ से लिया है बताओ, कमेंट में रिप्लाई कर देंगे, तो हम बोले थे इनको कि आप इंतजार कीजिए, जैसे ही मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि अब मेरा तबीयत ठीक है, क्योंकि शूट करने में बहुत टाइम लगता है, कपड़ा पहनो दिखाओ फिर फोल्ड करो फिर बाद ट्राई ऑन करके दिखाओ, तो थोड़ा टाइम लगता है उसमें, और उतनी हिम्मत अभी हमारे में है नहीं, लेकिन फिर भी हमारा सूट हो गया कंप्लीट, अब बस इसको फोल्ड करेंगे फिर देखेंगे। तो आप लोग जिया के चैनल पर जा करके देख लीजिएगा, और पिछला जो हॉल वीडियो जिया ने डाला था उसे भी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत ज्यादा, जितना सोचे नहीं थे हम लोग उतना प्यार दिया आप लोग। अभी चल रही थी मार्केट और अभी सबसे परफेक्ट टाइम है सब्जी खरीदने के लिए, क्योंकि हो गई है शाम। सुबह में जो है कोई भी दुकान रहता है नहीं खुला हुआ, फिर जब दोपहर हो जाता है दिन का समय हो जाता है उस समय इतनी तेज धूप रहती है, इतनी तेज गर्मी कि बाहर जाना पॉसिबल नहीं है। एक बार हम बाहर गए और हमें लगा कि शायद लू लग गया, उसके बाद से हम अंदर ही रह रहे हैं। तो अभी बता रहे हैं 5:30 जा करके जो भी चीज लेना है ले आते हैं। वैसे जिया से एक बार पूछ लेते हैं क्या क्या लेना है। जिया क्या क्या लेना है? क्या लेना है तुमको कुछ नहीं पता? नारियल पानी ले आइएगा और तरबूज ले आइएगा, और क्या? ये दो चीज तो जिया को बिल्कुल ध्यान रहता है, बाकी और चीज ध्यान रहे ना रहे। और मेहंदी ले लीजिएगा, आपके बालों में मेहंदी लगाना है। और जिया यहाँ पर लगी हुई एडिटिंग करने में, आज का जो हॉल वीडियो है वह डलेगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा इसके वीडियो। कुछ लाना भी मिर्चा भरी से खाली चूड़ा आना है बस 1 किलो। ठीक रहते हैं, बढ़िया बन गया। बोलिए कितना भैया? 150 लीजिए भैया, ना पिएगा मेरे लिए भी बढ़िया वाला। क्या नाम बोले चैनल का? जिया शाश्वत राय। जिया बढ़िया है, ठीक है एक और कर दीजिएगा। कितना किलो है? एक नंबर माल मिले बड़ा, बढ़िया नाप लीजिए इसको भी। कितना हुआ दोनों मिला के? 3.5 किलो। 3.5 किलो लीजिएगा। ले लिया तरबूज, तरबूज तरबूज का दाम 5 रुपया गिर चुका है, पहले 30 में लेते थे आजकल 25 में मिल रहा है। यहाँ पर हमारे एक और सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं जी, क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मुन्ना कुमार सोनी। मुन्ना जी तो सपोर्ट करिएगा, ये रहा हमारा चैनल, जरूर करें। कटिहार का सीन आपको दिखता रहेगा इसमें,
तो भाई साहब ने देखा कि हम कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो पूछा कि किस लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमने कहा जी हमारा यूट्यूब चैनल है, तो चैनल पूछा तो चैनल का नाम बता दिया और 2-3 सब्सक्राइबर बढ़ गए। बढ़िया है जी, अब चलते हैं, बाकी सामान लेना है। तरबूज तो ले लिया, नारियल पानी लेना है, वो लौटते समय ले लेंगे। अभी बाकी देखते हैं कोई और फल मिल रहा हो तो बाकी फल ले लेते हैं। यहाँ पर पपीता कैसे है भाई? मीठा वाला दीजिएगा, ऐसा ले गए थे मीठा नहीं था। मीठा होगा ना? ठीक। संतरा अच्छा वाला नहीं आता है? अरे ये क्या सूखा हुआ संतरा, फ्रेश करें। अच्छा भी नहीं। लीजिए अंगूर बताइए। अंगूर 100 ना? हाँ अच्छा रहा तो फिर आएंगे। तो चलिए जी यहाँ पर फल भी ले लिया है हमने, अब बचा है नारियल लेना। हम कैसे भाई? अरे भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे। कैसे भाई? पानी की मला, पानी वाला चूड़ा दीजिएगा 1 किलो। सब पूरा दुकान रेनोवेट कर रहे हैं। चल कितना हुआ? 35। हाँ अब अपना बारी है। तो चलिए जी हमने मम्मी के लिए चूड़ा भी ले लिया है, सीधा चलते हैं घर और वहाँ पर अपना नाश्ता करेंगे, थोड़ी पेट पूजा करेंगे, उसके बाद सीधा लग जाएंगे अपने काम पर। बाहर में क्या मस्त मौसम लग रहा है जी, लेकिन वही अभी घर जाएंगे उसी तरह की गर्मी, जैसे लगता है कोप भवन है, कोप भवन में जाना होता है। हाँ तुम्हारे लिए चूड़ा। चलो डिस्चार्ज हो गया, अब बाबू घर जा रहा है, अब हम लेके जा रहे हैं अपने घर पे। जा ही रहे घर, बाबू लेके हंसी खुशी से बस हो गया, हम क्या कहेंगे। बहुत ही अच्छा लगा हॉस्पिटल में आके, बहुत ही अच्छा इन लोग का जो भी सेवा सत्कार, ये लोग बहुत अच्छे से करते हैं। आज का वीडियो आप लोग जिया सासोस के नाम से यूट्यूब पे देख लीजिएगा, आप लोग भी रहेंगे। तो जी देख लिया आपने नैन्सी दीदी को, तो नैन्सी दीदी फैमिली जी आज हो गए डिस्चार्ज और माँ भी साथ में बैठी हुई है, कुछ कहना चाहेंगे? तुम लोग का तो उतना अनुभव नहीं है, लेकिन जब ब्लड प्रेशर हाई और शुगर हाई होता है तो मैंने बहुत सारे केस को दिमाग से देखी हूँ, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड उसको कहा जाए, जो कि मुँह से नहीं बोलना चाहते हैं। इसी बात का मुझे भय था, लेकिन आज मैं भगवान के चरण में लाख लाख बार धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। उनका शुक्रगुजार मानती हूँ अपने आप को, हमारी बेटी सौ कुशल अपने घर बच्चा को। बिल्कुल जी, भगवान की दुआ से, आपके प्यार से, आपके आशीर्वाद से, और भगवान की कृपा इन हजार लाखों लोगों की। तो बिल्कुल शब्द जो है वह ब्रह्म है, ब्रह्म जो है वह सत्य है, इसलिए मुख में भगवान बसते हैं। तो सब अगर अच्छा बोले तो अच्छा ही हुआ। आज छठी का रसम है, उसे हम लोग में जनरली होता है 6 दिन में, लेकिन वो बनारस दीदी क्या लगभग बनारस उसका ससुराल है, उसका जो अपना कल्चर है तो वो अपने कल्चर से ना होगा, मैके कल्चर से तो मेल नहीं खाएगा। बिल्कुल जी, हम कोशिश करते हैं कि जो कि आप वहाँ का जो है हमारी बेटी के ससुराल का, तो वो भी आपको दिखाया जाए। बिल्कुल जी, नैन्सी दीदी के यहाँ जो भी रस्म हो रहा होगा वह भी आपको दिखाएंगे, और हमारे यहाँ जो भी रस्म होगा भगवान अगर कृपा किए तो हो सकता है जल्दी आपको वो रस्म दिखाए। घर में अगर भी जो ईश्वर की दया दृष्टि हुई, सब कुछ सब कुछ हो गया आपके आशीर्वाद से, प्रभु की दया दृष्टि से, तो क्योंकि मैं हर बात को अध्यात्म से ही जोड़ करके देखती हूँ, क्योंकि उनके इशारा के बगैर पत्ता नहीं मिलता है, इसलिए वो जो चाहेंगे वही होगा, और आप लोग का आशीर्वाद जो है तो रहना ही चाहिए। और बहुत लोग जो है हमारे साथ इस जर्नी को शेयर कर रहे हैं, मालूम चलता है आप लोग के कमेंट पढ़ता रहता हूँ कि बहुत लोग प्रेगनेंसी के इस दौर से गुजर रही है, और बहुतों का जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है वह मई ही है, जो जिया का है। जैसे जिया का हम देखभाल कर रहे हैं, लगता है कि आपको भी आपकी सास या माँ जो भी होंगी तो हमसे अच्छे से देखभाल करती होंगी, और सबके माँ बाप करते हैं, मैं कोई अकेली नहीं हूँ, मैं एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ, सब लोग करते हैं, और भगवान करेंगे तो जितने लोग भी इस अवस्था से गुजर रहे हैं उन सबके लिए मैं रोज भगवान से दुआ मांगती हूँ, सबके लिए अच्छा होगा, भगवान है जरूर होगा। ठीक है जी, भगवान के पास तो कर्म करना नहीं पड़ता है, आपके कर्म करने से न्याय होता है।
कुल जितना पैसा करते हैं। जिस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारा जो भी वीडियो है तो आपको वहाँ मिलता रहेगा। तो मिलते हैं जी आप लोगों से किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।